वेलकम स्टूडेंट्स आज हम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर करने जा रहे हैं तो फैक्टराइजेशन चैप्टर मतलब हम लोगों के पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो उस एक्सप्रेशन में हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि जो एक वेरिएबल होता है तो उसका किस किस वैल्यू से वो एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो होता है मतलब फैक्टर क्या होता है तुम लोग तो एक पॉलिनोमियल कर ही चुके हो पॉलिनोमियल चैप्टर से कि व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल की एक चेक कर सकते हो जैसे सपोज एक एक्सप्रेशन है हम लोगों के मैं पॉलिनोमियल चैप्टर की बात कर रही हूँ सपोज एक एक्सप्रेशन है टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो ये क्या है लिनियर है लिनियर इक्वेशन लिनियर इक्वेशन मतलब यहाँ पे एक्स का पावर जीरो है तो ये लिनियर इक्वेशन है तो लिनियर इक्वेशन में अगर हम लोगों को चेक करना होता है कि कोई एक फैक्टर सपोज अगर मैं बोलू कि एक्स माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट ठीक है तो सपोज वी हैव टू फाइंड आउट एक्स माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस और नॉट तो हम लोग क्या जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर में जो किए थे तो ये कब फैक्टर होगा कि अगर एक्स पॉलिनोमियल जीरो मतलब एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो और एक्स इक्वल्स टू टू मतलब टू का वैल्यू इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ टू इन दिस इक्वेशन एंड देन इफ वी गेट दिस इक्वेशन तो ये क्या है एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इक्वेशन ठीक है तो एफ एक्स में अगर ये टू वैल्यू बिठाने से मतलब इफ एफ टू इक्वल्स टू जीरोन एक्स माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन ये हम लोग जानते हैं इफ मतलब एक्स का वैल्यू अगर टू यहाँ पे बिठाने से इफ द इक्वेशन बिकम्स जीरो तो इफ टू मतलब क्या होगा यहाँ पे टू इन टू टू प्लस फाइव मतलब क्या हुआ यहाँ पे फोर प्लस फाइव मतलब नाइन दैट मीन्स विच नॉट इक्वल्स टू जीरो दैट मीन्स दिस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन ठीक है तो फैक्टर कैसे हम लोग निकालेंगे फैक्टर हम लोग क्या जानते हैं कि फैक्टर इक्वेशन अगर होना है तो मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो सब हम लोग पॉलिनोमियल में कर चुके हैं है तो टू एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव बाई टू मतलब एक्स का वैल्यू अगर माइनस फाइव बाई टू बिठाओ देन दिस विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन तो इस तरीके से अगर फैक्टर हम लोगों को निकालना पड़े कोई भी इक्वेशन का then that is known as factorization. so फैक्ट्राइजेशन factorization is a process in order to जेनरेट द फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोम मतलब x का किस किस वैल्यू में से ये इक्वेशन जीरो होता है तो x का पावर जितना होगा उसका लिनियर इक्वे मतलब उसका फैक्टर उतना होगा मतलब यहाँ पे ये क्या है लिनियर इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन में फैक्टर कितना होगा एक ही फैक्टर होगा ठीक है सपोज अगर हम लोग कोई इक्वेशन दे इस तरीके से एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क् माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स तो ये क्या इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का पावर कितना है टू तो इसमें फैक्टर कितना निकलेगा टू फैक्टर होगा मतलब एक्स का फॉर टू वैल्यूज ऑफ एक्स दिस इक्वेशन बिकम्स जीरो अगर कोई इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन मतलब एक्स की माइनस नाइन अगर होता है ठीक है तो फिर तब एक्स का पावर कितना है क्यूब है तो इसका फैक्टर होगा थ्री मतलब एक्स का हाईएस्ट पावर जितना होगा तो उतना उस इक्वेशन पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ फैक्टर होगा ठीक है तो हम लोग देखते हैं कि फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे एक एक करके निकालते हैं तो फर्स्ट फर्स्ट हम लोग निकाल रहे हैं सपोज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर ठीक है तो इसका हम लोगों को क्या निकालना है फैक्टर निकालना है फैक्टराइजेशन इसको हम लोगों को करना है ठीक है अब देखते हैं कि हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये तुम लोग एट में भी किए थे ये है हम लोगों का मिडिल एज स्क्वायर वाला जो भी होता है उसका हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर उसको कर सकते हैं ठीक है तो ये इक्वेशन का फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं कैसे करते हैं यहाँ पे देखो ये अगर एक्स का जो कोफिशियंट है कितना है यहाँ पे वन ठीक है और ये है उसका कॉन्स्टेंट टर्म इसको अगर हम लोग नॉर्मल इक्वेशन से इसको अगर कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये है इसका फॉर्मेट मतलब ये फॉर्मेट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ठीक है तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तब हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है ध्यान से समझो जो जानते हो वो ठीक है जो नहीं जानते हो वो ठीक से देखो यहाँ पे ए पहले ए इंटू सी उसका वैल्यू निकालना पड़ता है ठीक है तो a इंटू सी यहाँ पे कितना है फोर है वन है तो a इंटू सी कितना हुआ फोर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ठीक है इसको अगर कंपेयर करोगे तो a क्या है a है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट एंड फोर है कॉन्स्टेंट टर्म तो a इंटू सी मतलब बीच वाला जो है उसको छोड़ दोगे उसको छोड़ के बाकी जो है कॉन्स्टेंट टर्म उसका मल्टीप्लाई करोगे तो फोर आया तो ये जो फोर आएगा इसका क्या क्या मल्टीपल हो सकता है या क्या क्या फैक्टर हो सकता है तो उसको निकालेंगे हम लोग ठीक है तो फोर का अगर एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा टू टू जा फोर फिर टू वन जा टू ठीक है ऑब्वियसली यही होगा इसके आगे तो कुछ नहीं हो सकता तो इसको क्या होगा टू इंटू टू इंटू वन ठीक है अब हम लोगों को ये जो तीन फैक्टर यहाँ पे मिले फोर का एलसीएम करके इसको कोई भी वैल्यू कैलकुलेशन करके ये बीच में जो एक्स का कोफिशियंट है मतलब बी टर्म बी टर्म को हम लोग को लाना है मतलब थ्री लाना है तो हम लोगों के पास थ्री लाने के लिए क्या क्या नंबर है टू है टू है, है वन है ये टू टू वन को प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करके हम लोगों को क्या लाना है थ्री लाना है ठीक है तो थ्री कैसे लाओगे तो थ्री लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पे देखो टू इंटू टू कितना होगा फोर मतलब ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा फोर होगा तो फोर माइनस वन कितना होगा थ्री होगा ठीक है इसके अलावा बाकी कोई थ्री नहीं होता है बाकी क्या होगा बाकी तो है टू प्लस टू तो टू प्लस टू कितना होगा फोर होगा मतलब हम को दो ऐसा नंबर ये फैक्टर में से निकालना है कि जिसको अगर प्लस माइनस करोगे तो ये बीज वाला नंबर आएगा मतलब बी आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू सी आएगा मतलब वी हैव टू फाइंड आउट टू नंबर्स ठीक है दो नंबर हम लोगों को दो डिजिट नॉट नंबर वी हैव टू फाइंड आउट टू डिजिट दो डिजिट निकालना है कहां में से निकालोगे ए इंटू सी का जो एलसीएम जो जो वैल्यू आएगा उसमें से निकालोगे ठीक है जो टू डिजिट आएगा टू डिजिट को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा ए इंटू सी होगा और अगर ये टू डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू सी मतलब ये फोर वैल्यू आएगा और अगर प्लस माइनस करोगे तो क्या आएगा b आएगा तो इस तरीके से हमको दो वैल्यू निकालना है तो दो वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे एक फोर आएगा एक वन आएगा तो फोर और वन अगर हम लोग निकाले टू डिजिट तो देखो फोर इंटू वन क्या होता है फोर होता है मतलब a इंटू सी वैल्यू आ गया एंड फोर माइनस टू अगर माइनस करोगे तो क्या होगा थ्री आ गया ठीक है तो हम लोग क्या वैल्यू लेंगे एक फोर लेंगे एक वन लेंगे तो क्या करोगे पे पे इसको तो यहाँ पे हम लोग करते हैं प्लस थ्री है तो थ्री के बदले हम लोग क्या लिखेंगे फोर माइनस वन एक्स माइनस फोर मतलब थ्री के बदले ये जो दो डिजिट हम लोगों को मिला वो टू डिजिट लिखेंगे अब इसको लिखो स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करो मतलब फिर से थ्री एक्स मत लिख देना तो इसको कैसे डिवाइड करोगे फोर एक्स माइनस एक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए दो डिजिट को माइनस फोर अब दो दो करके देखोगे कॉमन आता है कि नहीं तो इसको कॉमन लोगे क्या आएगा एक्स आएगा तो बीच में होगा एक्स प्लस फोर और यहाँ पे देखो माइनस साइन है बाकी एक्स प्लस फोर है तो यहां में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस वन कॉमन ले सकते तो बीच बीच में क्या होगा एक्स प्लस फोर ठीक है अब ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन गया एक्स प्लस फोर तो यहां में से हम लोग एक्स प्लस फोर लेंगे और बाकी क्या बचा इससे बचा एक्स माइनस वन ठीक है तो दिस टू आर द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन तो मैं फिर से बोल रही हूँ अगर की इक्वेशन होता है तो हमको क्या करना है ए इंटू सी मल्टीप्लाई करके देखना है फिर उसके एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम करके जो जो डिजिट आएगा उनमें से कोई दो डिजिट ऐसे निकालोगे प्लस माइनस करके कि ताकि वो दो डिजिट को मल्टीप्लाई करके फोरी हो एंड उसको प्लस माइनस करके ये बीज वाला जो डिजिट है वो आ जाए ठीक है फिर उसके बदले वो लिख के वो दो डिजिट लिख के प्लस हो या माइनस हो अगर यहाँ पे फाइव होता है तो फिर क्या लिखते हैं फोर प्लस वन थ्री है तो फोर माइनस वन लिखे और अगर यहाँ पे फाइव होगा तो फिर क्या लिखोगे फोर प्लस वन लिखोगे ना ठीक है तो उस तरीके से जो होगा उसको देख के हम लोगों को निकालना पड़ता है ठीक है तो ये हुआ हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन अब हम लोग देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे अब देखो ये है क्यूबिक इक्वेशन ठीक है तो क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइज़ मतलब यहाँ पे क्यूब है तो मैं क्या बोली कि यहाँ पे तीन फैक्टर आएगा ठीक है तो फर्स्ट फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स का कोई एक ऐसा वैल्यू एक ऐसा वैल्यू एक्स का लेंगे कोई भी कोई भी मतलब प्लस वन ले सकते हो माइनस वन ले सकते हो छोटा से ट्राई करोगे प्लास टू ले सकते हो माइनस टू ले सकते हो प्लास थ्री ले सकते हो माइनस थ्री ले सकते हो किसी भी एक वैल्यू को यहाँ पे बिठा के ट्राई करके देखोगे कि ये वैल्यू जीरो होता है कि नहीं मतलब जीरो पॉलिनोमियल हमको निकालना है तो जीरो पोलिनोमियल कैसे निकालोगे जीरो पॉलिनोमियल निकालने का तो तरीका तुम लोग जानते हो कि एक्स का किसी भी वैल्यू में से वैल्यू बिठा के अगर ये इक्वेशन जीरो होता है तो ये होता है जीरो पॉलिनोम तो जीरो पॉलिनोमियल हम लोग क्या निकालेंगे सपोज यहाँ पे अगर हम लोग एफ एक्स इक्वल्स टू ले रहे हैं एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स माइनस फोर ठीक है तो यहाँ पे मैं वन बिठा रही हूँ क्योंकि हमको देख के ये, ये तो इजी है इक्वेशन कि वन होगा तो ये वन होगा थ्री होगा वन प्लस थ्री फोर फोर माइनस फोर जीरो हो जाएगा तो वन से क्या आएगा वन क्यू थ्री इंटू वन माइनस फोर मतलब फोर माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो मतलब एक्स इक्वल्स टू वन फॉर एक्स इक्वल्स टू वन एफ एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा देआर फोर एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स तो एक फैक्टर हम लोगों को मिल गया एक्स माइनस वन क्योंकि वन से ये जीरो हो रहा है ठीक है अब बाकी का फैक्टर हम लोग हम लोगों को निकालना है ठीक है तो कैसे निकालोगे देखो इसका दो प्रोसेस है मैं पहले एक प्रोसेस कर रही हूं एक प्रोसेस है क्या ये जो एक फैक्टर है ठीक है ऑब्वियसली फैक्टर मतलब इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा एफ एक्स ये जो एक्स माइनस वन से इसको पहले डिवाइड करो तो कैसे डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे कि की डिवाइड एफ एक्स बाय एक्स माइनस वन ये एलजेब्रिक डिवीजन है होप कि तुम लोग जानते हो एलजेब्रिक डिवीजन मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो क्या है हम लोग का इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस फोर ठीक है डिवीजन करोगे क्या डिवीजन होता है पहले एक इसके साथ इसको मैच करना है तो यहाँ पे एक्स है तो कितना मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब होगा एक्स स्क्वायर तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे एक्स क्यूब फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक स्क्वायर ठीक है आप क्या करना है ये जो नीचे साइन है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं तो करने से क्या होगा ये कट जाएगा फिर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो यहाँ पे एक स्क्वायर का तो कोई टर्म है नहीं तो एक स्क्वायर तो पहले एक स्क्वायर लिखोगे क्योंकि पहले एक हम लोग नहीं लिख सकते प्लस है तो प्लस है फिर प्लस थ्री एक्स दो दो करके लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है ठीक है अब यहाँ पे एक से हमेशा फर्स्ट टर्म को देखना है कि किन से मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट टर्म आएगा तो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई प्लस है तो तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी प्लस होगा प्लस 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 तो एक्स को अगर मल्टीप्लाई कर गए तो क्या होगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स ठीक है एक्स के साथ ये पूरा टर्म माइनस हो गया क्या मल्टीप्लाई करोगे वो देखना है फर्स्ट टर्म से टैली करके फिर ये दोनों में से ये इसको मल्टीप्लाई करना है आप इसको होगा माइनस ये होगा प्लस नीचे वाला चेंज करोगे तो ये कट जाएगा प्लस माइनस माइनस अब इसको क्या करोगे प्लस होगा तो क्या होगा फोर एक्स माइनस फोर अब यहाँ पे एक्स है यहाँ पे फोर है तो क्या मल्टीप्लाई करोगे प्लस प्लस मतलब साइन सेम है फोर तो क्या होगा फोर एक्स माइनस फोर आप दोनों को अगर नीचे में साइन चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा ये भी कट जाएगा ठीक है तो ये डिवीजन करने से तो ये तो एक फैक्टर मिल गया तो एक फैक्टर को मतलब अगर सपोज सिक्सटीन है ठीक है सिक्सटीन का एक फैक्टर अगर फोर है तो दूसरा फैक्टर कहां से मिलेगा फोर से अगर सिक्सटीन को डिवाइड करो तो दूसरा फैक्टर आ जाता है तो यहाँ पे भी एक फैक्टर अगर ये है तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो दूसरा फैक्टर ये आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स को एक्स माइनस वन एक फैक्टर एंड दूसरा फैक्टर क्या होगा ये आ गया प्लस एक्स प्लस फोर ठीक है अब देखो यहाँ पे ये है ये तो एक फैक्टर आ गया लिनियर अब ये देखो ये क्वाड्रेटिक है ठीक है अब ये क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक को तो कैसे सॉल्व करना है हमने पहले ही दिखा है क्या सॉल्व करना है फोर से वन से मल्टीप्लाई करके कितना होता है फोर होता है और फोर का फैक्टर क्या है टू इंटू टू इंटू वन इस तरीके से मतलब इसको अगर हमको क्या लाना है बीच वाला जो टर्म है बी वो लाना है बीच में क्या है वन इसको प्लस माइनस यहाँ पे जो है कुछ भी मल्टीप्लाई करके वन नहीं आता है ठीक है टू इंटू टू फोर माइनस वन थ्री फोर प्लस वन तो फोर से करोगे तो फोर माइनस वन थ्री फोर प्लस वन है फाइव तो थ्री फाइव तो नहीं चाहिए आप टू इंटू टू करोगे तो ऑब्वियसली टू प्लस टू होगा फोर टू माइनस टू होगा जीरो तो इसके अलावा तो कुछ नहीं है मतलब ये बीच में इन फैक्टर में से कोई भी वैल्यू दे के ये बीच में नहीं आता है तो ये इसका फैक्टर है एंड ये इसका आंसर है अगर ये जो क्वाड्रेटिक है इसको अगर फिर से हम लोग डिवाइड कर पाएंगे कर पाते तो फिर वो हम लोगों का फिर से हम लोगों को क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म करना पड़ता है ठीक है अब देखते हैं दूसरा अब ये एक ये भी एक क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ पे पहले हमको क्या देखना है कि एक्स का फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स दिस इक्वेशन बिकम्स जीरो ठीक है तो हम लोग लिया ले लेते हैं एफ इक्वल्स टू माइनस वन लेते हैं ठीक है तो माइनस वन अगर यहाँ पे बिठाओगे तो क्या होगा माइनस वन क्यूब माइनस सेवन माइनस वन माइनस सिक्स तो क्या होगा माइनस वन प्लस सेवन माइनस सिक्स इक्वल्स टू सेवन माइनस सेवन जीरो तो क्या हुआ कि फॉर एक्स इक्वल्स टू माइनस वन एक्स इक्वल्स टू माइनस वन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो हो गया ठीक है तो फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग तो फिर एक्स एक्स अगर इधर जाए एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स ठीक है तो फिर एक्स प्लस वन एफ एक्स का एक फैक्टर होगा आप यहाँ पे देखो ये जो एक्स प्लस वन फैक्टर है तो एक्स प्लस वन से हम लोग इसको क्या करेंगे डिवाइड करोगे अब फॉर अनदर फैक्टर एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स तो डिवाइड करने से क्या होगा इसको देखना है कि कितना मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट टर्म आता है यहाँ पे से मतलब एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा एक्सएसर एक्स स्क् मल्टीप्लाई वन मतलब एक्स स्क् एक्सएस क्यूब एक्स स्क् साइन चेंज कर दो ये कट जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर मुझे पहले लिखना है क्योंकि इसका पावर बड़ा है इस x से ठीक है तो आप यहाँ पे एक से यहाँ पेर पे है साइन क्या है माइनस माइनस मतलब माइनस ही देना है एक्स के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स फिर से यहाँ पे साइन चेंज कर दो तो ये कट जाएगा तो इधर क्या होगा इधर होगा तुम लोगों का आ, माइनस सेवन एक्स प्लस एक्स तो कितना आएगा माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होगा माइनस सिक्स तो माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस सिक्स एक्स मतलब इसका फर्स्ट टर्म हमको सेम करना है एनी एन और माइनस सिक्स तो इसको अगर चेंज करोगे तो फिर क्या हो जाएगा ये भी कट जाएगा तो ये होगा हम लोगों का एन फैक्टर तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स ठीक है आप यहाँ पे देखो ये फिर से क्वाड्रेटिक आ गया तो क्वाड्रेटिक आके हमको क्या देखना है इसको और इसको यहाँ पे क्या है वन है वन इंटू सिक्स मल्टीप्लाई करना है मतलब सिक्स आएगा सिक्स का फैक्टर क्या होता है टू इंटू थ्री इंटू वन तो टू थ्री वन को मल्टीप्लाई करके देखना है कि वन आता है कि नहीं तो ऑब्वियसली थ्री एंड वन है मतलब अगर थ्री माइनस टू लिखोगे तो वन आ जाएगा ठीक है तो इसको फिर से हम लोग कर सकते हैं क्या करेंगे x प्लस वन एक्स स्क्वायर तो माइनस वन है माइनस वन मतलब हमको क्या करना है यहां पे माइनस को बाहर रखो तो वन के बदले हम लोग क्या लिखेंगे थ्री माइनस टू एक्स माइनस सिक्स ठीक है अब यहाँ पे एक्स प्लस वन इसको एक्स स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस थ्री एक्स मतलब इसको माइनस करके करोगे तो फिर से ये आ जाएगा नहीं थ्री के साथ एक बार एक्स मल्टीप्लाई करोगे टू के साथ एक बार ए पर साइन का ध्यान रखना तो माइनस थ्री एक्स प्लस माइनस 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 प्लस मतलब प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इसको बैक कैलकुलेशन करके भी देख लो माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स कितना होता है माइनस सिक्स ठीक है इसको क्या करना है हमको कॉमन लेना है तो यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे एक्स प्लस वन यहाँ से एक्स आएगा मतलब एक्स माइनस थ्री प्लस यहाँ से क्या आएगा टू आएगा मतलब एक्स माइनस यहाँ पे भी थ्री क्योंकि सिक्स है ऑब्वियसली टू कॉमन जाएगा तो थ्री होगा फिर एक्स माइनस वन यहाँ से एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू ठीक है तो दीज आर द थ्री फैक्टर ऑफ द गिवेन फैक्टराइजेशन ओके आप इसका एक यही फैक्टराइजेशन हम लोग एक दूसरा प्रोसेस में सीखेंगे जहां पे डिविजन की जरूरत नहीं है देखते हैं क्या है यहाँ पे है हम लोगों का सम्स है एक्स एस क्यू माइनस सेवेन एक्स माइनस सिक्स ठीक है तो ये तो है हम लोगों का सम्स तो हम लोग पहले क्या करेंगे पहले इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर हम लोग क्या जानते हैं कि तो यहाँ पे तो अगर ये तो हम लोग देखे एफ माइनस वन अगर होता है तो फिर माइनस वन क्यू माइनस सेवन इंटू माइनस वन माइनस सिक्स मतलब माइनस वन प्लस सेवन माइनस सिक्स तो सेवन माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो दैट मीन्स एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ ठीक है ये पॉलिनोमियल चैप्टर का है कि अगर माइनस वन होता है तो एक्स प्लस वन फैक्टर होता है अगर माइनस वन से जीरो होता है तो और अगर प्लस वन से जीरो होगा तो एक्स प्लस वन फैक्टर हो एक्स माइनस वन फैक्टर होगा ठीक है।, है अब ये क्या है क्यूबिक है तो आप देखो ये कैसे करते हैं ये विथआउट डिविजन प्रोसेस है माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स ठीक है यहाँ पे बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ दो यहाँ पे एक लाइन हम लोगों को लिखना है तो क्या लिखेंगे x प्लस वन एक फैक्टर तो हम लोगों को मिल गया ठीक है एक फैक्टर मिल गया तो इसको जैसे कि क्यूब है इसको हम लोग थ्री टाइम्स लिखेंगे थ्री टाइम्स कैसे लिखोगे देखो x प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन ठीक है ऐसे लिखोगे अब इसके साथ इसको टैली करना है ठीक है टैली करने मतलब यहाँ पे क्या है देखो एक्सेस क्यूब और यहाँ पे एक एक्स है तो कितना मल्टीप्लाई करने से एक्सेस क्यूब आएगा एक्सेस स्क्वायर सिर्फ फर्स्ट टर्म को टैली करो मतलब एक्स प्लस वन है एक फैक्टर है तो एक्स प्लस वन के कितना मल्टीप्लाई करने से एक्सेस क्यूब आएगा तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करे तो इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा देखो एक्सेस प्लस एक्स स्क्वायर मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर तो मल्टीप्लाई करना है इसके साथ तो मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आएगा वो बीच में लिख लो तो क्या आएगा एक्स एस प्लस एक्स स्क्वायर हो गया अब यहाँ पे देखो कोई एक्स स्क्वायर नहीं है टर्म ध्यान से समझो यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है पर यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर आ गया तो एक एक्स स्क्वायर अगर आता है प्लस तो इसको हटाने के लिए हमको माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए ठीक है तो माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए अब ये वाला टर्म हमको कम्प्लीट हो गया तो अब नेक्स्ट टर्म में देखो नेक्स्ट टर्म में है एक्स है तो हमको क्या चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर लाना है तो एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ माइनस एक्स तो यहाँ पे माइनस एक्स ले लो माइनस एक्स लेने से क्या हो गया देखो यहाँ पे फिर माइनस एक्स इसको मल्टीप्लाई करो मतलब सिर्फ एक को ही चेक करोगे करके जो आएगा उससे दूसरे का कर लेना ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा देखो माइनस एक्स स्क्वायर अब माइनस एक्स एंड प्लस वन तो फिर क्या आता है माइनस एक्स हो गया अब यहाँ पे है सेवन एक्स ठीक है पर यहाँ पे हम लोगों को कितना मिला माइनस एक्स तो और कितना चाहिए माइनस एक्स मिला हम लोगों को चाहिए सेवन एक्स तो और एक्स्ट्रा कितना चाहिए सिक्स एक्स चाहिए पर यहाँ पे एक एक्स है ठीक है तो और कितना साइन का ध्यान रखना ठीक है साइन का भी ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस है तो हमको क्या चाहिए माइनस देंगे तो सिक्स एस सेवन एक्स मतलब सेवन एक्स को सेम करने सेवन एक्स करने के लिए एक माइनस एक्स मिल गया तो और कितना चाहिए और एक माइनस सिक्स एक्स चाहिए तो यहाँ पे और एक है ऑलरेडी तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे six लिखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा देखो minus minus देखो यहां पे अपने आप आ जाएगा मतलब ये जो फैक्टर यहाँ पे दिया है उसको हम लोग इस तरीके से तोड़ सकते हैं पर ये डायरेक्ट तोड़ना तुम लोगों के लिए मुश्किल है तो फिर एक फैक्टर जीरो करके हम लोग ने निकाल लिए उस फैक्टर को थ्री टाइम्स लिखे लिख के बाकी हम लोग क्या किए यहाँ पे उसको एक एक करके इसको मैच करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखे कि ये टर्म अपने आप आ गया तो ये बीच वाला लाइन छोड़ के थर्ड लाइन पहले लिखोगे फिर उससे मैच करके करके बीच वाला लिखोगे इससे डिवीजन करने की जरूरत नहीं है आप तो आ गया देखो एक्स प्लस वन यहाँ पे कितना टर्म है एक टर्म दो टर्म तीन टर्म तो तीनों टर्म एक्स प्लस वन कॉमन है तो एक्स प्लस वन कॉमन ले लो तो बाकी कितना बचा फर्स्ट टर्म से एक्स स्क्वायर सेकेंड टर्म से माइनस एक्स थर्ड टर्म से, से माइनस सिक्स ठीक है अब ये जो टर्म आया तो हम लोग डिवाइड करके यही टर्म हम लोगों को मिल गया मिला था देखो यहाँ पे देखो ये जो हम लोग एक्स प्लस वन से डिवाइड किए थे ना तो उससे हम लोग यही टर्म मिले इसको ही हम लोग कॉमन लिए थे ठीक है बाकी इसको फिर से क्वाड्रेटिक में हम लोग इसको तोड़े थे मतलब ये डिवीजन वाला प्रोसेस ना करके यहाँ पे इस तरीके से भी ये टर्म हम यहाँ पे ला सकते हैं अब इसको कैसे करना है ये तो हम लोग यहाँ पे किए पहले सम्स में तो ये इक्वल्स टू क्या होगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू ठीक है ये प्रोसेस है डिशन ना करो और अगर जिसको डिविशन आता है वो डिविशन करो जो मर्जी है वो तुम लोग कर सकते हो ठीक है नॉट नेसेसरी कि इसको ही करना है जो जैसे चाहे वैसे तो फिर क्या क्या निकालोगे पहले जीरो पॉलिनोम निकालोगे जीरो पॉलिनोम से बाकी जो बचेगा उससे हम लोग डिवाइड करके कर सकते हैं ठीक है अभी देखो अभी एक दूसरा वाला सम्स है यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट फैक्टराइजेशन है सपोज पी टू दावर फोर प्लस टू पी स्क्वेर प्लस नाइन ठीक है मतलब हम लोगों को एनी हम हाँ फैक्टर निकालना है ठीक है तो यहाँ पे एक देखो पी टू दावर फोर नाइन तो इसको तो हम लोग नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं पी टू दी पावर फोर मतलब पी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर प्लस नाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं थ्री स्क्वायर प्लस इसको टू पी स्क्वायर रखने दो इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते कि इसको स्क्वायर भी नहीं लिख पाएंगे कुछ भी नहीं लिख पाएंगे पर यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा अगर हम लोग इसको देखना है कैसे सॉल्व करें एनी हाउ कुछ कहीं से भी किसी भी फॉर्मूला से हम लोग कर सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर अगर ये बी स्क्वायर हम लोग ले ले तो फिर अगर हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको डालना चाहते हैं, तो फिर हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ पे टू ए बी चाहिए ऑब्वियसली टू ए बी ये तो है नहीं अगर टू ए बी हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा एड करेंगे तो उसको हम लोगों को क्या करना है उसको टू ए बी माइनस भी करना है अगर एक एक्स्ट्रा टर्म हम ऐड करते हैं कोई भी पॉलिनोमियल में तो उसको अगर वैनिशिंग वैनिश vanish करना है तो फिर उसको माइनस भी करना है तो इसको हम लोग नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो पी स्क्वेर प्लस थ्री स्क्वायर तो टू इंटू ए क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर तो ए है मतलब पी स्क्वेयर एंड बी है थ्री स्क्वायर नहीं थ्री होल स्क्वायर तो थ्री तो ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ प्लस टू इंटू ए इंटू बी ए है क्या पी स्क्वायर एंड बी है थ्री तो टू इंटू ए इंटू बी तो ये ऐड हुआ मतलब इसको हम लोग माइनस भी करेंगे टू पी स्क्वायर इंटू थ्री एड होगा तो माइनस करेंगे नहीं तो तो मैच नहीं खाएगा ठीक है अब ये जैसा है इसको रहने दो मतलब टू पी तो अब ये हुआ ए स्क्वायर ये हुआ हम लोगों का बी स्क्वायर तो ये हुआ टू ए बी तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बी स्क्र ए प्लस बी होल स्क्वायर बी क्या है यहाँ पे थ्री है ए प्लस बी होल स्क्वायर इससे आ गया अब इसको देखो तो इसको क्या हुआ ये है हम लोगों का सिक्स पी स्क्वेर प्लस टू पी स्क्वायर तो सिक्स पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस फोर पी स्क्वायर लिख पाएंगे अब इसको अगर हम लोग फोर पी स्क्वायर को क्या लिख पाएंगे टू पी होल स्क्वायर ओके अब ये कौन सा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब फॉर्मूला यहाँ पे चाहिए फॉर्मूला जो जो फार्मूला तुम लोग सीख के आए हो सब फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन यहाँ पे है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ये अगर ए है ये अगर बी है तो फिर क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी तो ये हुआ हम लोगों का फैक्टर you good.